प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए और इसके बाद मैं एक और खूबसूरत आवाज के मालिक एक बहुत ही बड़े बहुत ही अच्छे अंदाज में नाद पढ़ने वाले शायर को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। गुजारिश करता हूँ आजाद साहिल से माइक पे तशरीफ ले आए और अपनी खूबसूरत नाद से अपने मुतरन्निम लबो लहजे से हम सबको नवाजें। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत मआब में नजराना अकीदत पेश करें। हाजरीन गिरामी, मौजिज सामने गिराम, दाएं पर बैठे शोराए गिराम, उलमाए गिराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बहुत ही अच्छी महफिल सजी है और अपने दादो तहसीन से भी आप लोग नवाज रहे शोराए कराम को और बहुत अच्छी निजामत भी हो रही है मंजर जमील आसिफ साहब की जानिब से। आइए दोस्तों एक गुजारिश और एक मतला मंजर एक गुजारिश एक मतले से करना चाहता हूं बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं मोहिद्दीन आमिर भाई देखिएगा कि आप लोगों से मेरी गुजारिश है ये रब के घर को मुकम्मल बना दीजिए कि आप लोगों से मेरी गुजारिश है ये रब के घर को मुकम्मल बना दीजिए कि आप लोगों से मेरी गुजारिश है ये रब के घर को मुकम्मल बना दीजिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है ये रब के घर को मुकम्मल बना दीजिए रब के घर को मुकम्मल बना दीजिए रब के घर को मुकम्मल बना दीजिए जिसने बख्शा है ये माल उजर आपको अब उसी के लिए सब लुटा दीजिए। क्या कहने बहुत खूब भाई, क्या कहने बहुत खूब अच्छा मतला है। बहुत बहुत शुक्रिया जहीर चाचा, थोड़ी जहीर चाचा एक गुजारिश थोड़ा सा इको थोड़ा सा इको थोड़ा सा इको थोड़ा सा इको। आइए एक नज्म जिसका उनवान है मस्जिद की पुकार मैं हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा करें कि अल्लाह का घर हो मुझे आबाद करो अल्लाह का घर हो मुझे आबाद करो अल्लाह का घर हो मुझे आबाद करो अशकों को बहा करे अशकों को याद करो यहाँ से बंद हाजिर करता हूँ पहले स्टेज की कि जब से मेरी आगोश को वीरान किया है जब से मेरी आगोश को वीरान किया है नुकसान बहुत तुमने मुसलमान किया है नुकसान बहुत तुमने मुसलमान किया है इस्लाम को हर समत पशेमान किया है इस्लाम को हर समत पशेमान किया है के दिल जोड़ लो तुम मुझसे तो आबाद रहोगे दिल जोड़ लो तुम मुझसे तो आबाद रहोगे और
के लम्हे में तुम शाद रहोगे, हर वक्त हर एक लम्हे में तुम शाद रहोगे। और एक बात बतौर खास मुलाहिजा कर ले मंडी आमिर साहब, देखिएगा कि तुम अपने बुरे फेल पे इतराने लगे हो, तुम अपने बुरे फेल पे इतराने लगे हो, और नाम मेरा सुनते ही घबराने लगे हो, क्यों नारे जहन्नम की तरफ जाने लगे हो, क्यों नारे जहन्नम की तरफ जाने लगे। आइए दोस्तों, नाते पाक का मतलब हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा करें। कि जब मैं नाते नबी गुनगुनाने लगा, जब मैं नाते नबी गुनगुनाने लगा, गुनगुनाने लगा, गुनगुनाने लगा, जब मैं नाते नबी गुनगुनाने लगा, गुनगुनाने लगा, यक घर मेरा जगमगाने लगा। बहुत खूब, अच्छा मतलब है भाई, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। यक घर मेरा जगमगाने लगा, मेरा जगमगाने लगा, जब मैं नाते नबी गुनगुनाने लगा। और एक शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा करें कि रहमते मेरे दामन को छूने लगी, रहमते मेरे दामन को छूने लगी, के रहमते मेरे दामन को छूने लगी, जब मैं तैबा नगरिया को जाने लगा, जब मैं तैबा नगरिया को जाने लगा, यक बायक घर मेरा जगमगाने लगा। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाहिजा कर ले, अता हो भाई के हुस्ने अखलाक है बेमिसाल आपका, हुस्ने अखलाक है बेमिसाल आपका, हुस्ने अखलाक है बेमिसाल आपका, बेमिसाल आपका, देखे कर देखे कर देखे कर पैर भी सर झुकाने लगे, देखे कर पैर भी सर झुकाने लगा, यक बायक घर मेरा जगमगाने लगा। और मक्ता भी मोहब्बतों के साथ मुलाहिजा कर लें, के मिल ही जाएगी आमिर जगह खुल्द में, मिल ही जाएगी आमिर जगह खुल्द में, मिल ही जाएगी आमिर जगह खुल्द में, पाओ माँ के अगर तू दबाने लगा, पाओ माँ के अगर
तोता पाने लगा जब मैं नाते नबी गुनगुनाने लगा यक बायक घर मेरा जगमगाने लगा। सलाम सलाम।